इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से पीडीएफ फाइल्स बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टेक माय वे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके मोबाइल से बनाने के लिए इसके लिए आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास अपना मोबाइल होना चाहिए और जिस फाइल को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहिए वो होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र ही अच्छा होता है इस चीज़ के लिए, तो आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद इसके सर्च बार में लिखिए यहाँ पे smallpdf.com, ये लिख के आप सर्च करिए। सर्च करने पर देखिए जो हमारा ये रिजल्ट आ चुका है smallpdf.com, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इसको आपको ओपन करना है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद हमारे सामने ये पेज आ जाता है smallpdf.com का। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, हम बहुत सी चीज़ें इस साइट के जरिए कर सकते हैं पीडीएफ से रिलेटेड। जैसे कि पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, जेपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, एक्सेल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल इसमें बता रहा हूँ कि आप कैसे अपने फ़ोटोज़ को अपने पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जाना है इस जगह पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है जेपीजी टू पीडीएफ, ये फाइल दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस हमारे सामने आता है। तो हमें क्या करना है कि अपना फ़ाइल चूज़ करना है। तो हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि या तो अगर आपका फ़ाइल ड्रॉप बॉक्स में है, जो ऑनलाइन स्टोरेज होता है क्लाउड स्टोरेज, वहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आपके गूगल ड्राइव में आपका फ़ोटो होगा वहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके फ़ोन में ही है तो आप चूज़ फाइल में क्लिक करिए। तो फ़ोन से अगर सेलेक्ट करने के लिए आपको क्लिक करना है चूज़ फाइल, तो चूज़ फाइल में क्लिक करिए। यहाँ से फिर हमारा जो एक पॉपअप नीचे आता है देख सकते हैं जैसे कि आप। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस मिल रहे हैं, पहला एंड्रॉयड सिस्टम, एक है कैम रिकॉर्डर, एक है साउंड रिकॉर्डर, डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ से आपका जो फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा एंड्रॉयड सिस्टम में क्लिक करने पर, और डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करने पर आपका फ़ोन का जो मेमोरी है वो ओपन हो जाएगा। तो आपका जहाँ भी फाइल रखा है वो उसे आप ओपन कर ले। मेरा डॉक्यूमेंट्स में है तो मैं डॉक्यूमेंट में क्लिक कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करने के बाद फाइल मैनेजर ओपन हो जाता है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके जाइए और जहाँ भी आपका फाइल है उस जगह को ओपन कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि देखिए ये एक फाइल है जो इमेज फाइल है, जेपीजी फाइल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक माई टिप्स एवी पेज जेपीजी। तो ये एक इमेज फाइल है, इसे मैं करके बताऊँगा कन्वर्ट पीडीएफ में। तो इसको आपको क्या करना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, तो सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट होने के बाद जो है हमारा फाइल है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। आपको इस जगह पे देखिएगा, यहाँ पे एरो पास होगा तो वो अपलोड का साइन यहाँ पे दिखा देगा। अभी ये अपलोड हो रहा है, तो जितना ज़्यादा बड़ा फाइल आपका होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा अपलोड होने में। तो हमारा फाइल जो है अपलोड हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो फाइल हमने सेलेक्ट किया था यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्रिएट पीडीएफ नाउ का ऑप्शन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये हमारा कन्वर्ट वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अभी जनरेट हो रहा है पीडीएफ, तो कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा 2-4 सेकंड का। देखिए हमारा जो कन्वर्ट होना था वो हो चुका है, यहाँ पे लिख रहा है कि आपका जो फाइल है वो कन्वर्ट हो चुका है। और जो हमने फाइल जो कन्वर्ट किया था वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका जो फाइल है यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जो देख रहे हैं पीडीएफ फाइल images.pdf, आपको डाउनलोड करना है तो इस एरो में क्लिक करना होगा आपको, तो आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टिक मार्क का यहाँ पे निशान आ गया है, मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा फाइल images.pdf, इसको ओपन करते हैं। तो देखिए ये जो फाइल था हमारा इमेज में वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नेम है .pdf, इसका एक्सटेंशन यानी कि पीडीएफ फाइल है। इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस जगह पर क्लिक करिए, यहाँ से फिर आप क्लिक करिए, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो इसमें क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को सेंड करना है व्हाट्सएप या ईमेल से तो ये भी कर सकते हैं, और प्रिंट करना है अगर आपका प्रिंटर से कनेक्टेड है तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बढ़िया आसानी से कर सकते हैं, अपने मोबाइल से पीडीएफ बना सकते हैं आसानी से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं अपने मोबाइल से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट में मुझे अपने विचार बताइए। और ऐसे ही इजी वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे रेड कलर वाले बटन में क्लिक करके। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।